नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है धर्मेंद्र रावत और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन IPL में खेले गए मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बारे में। जैसा कि मैच प्रीव्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग करे, क्योंकि शारजा में चीज़ करना ईजी होता है। ये सब बातें और मैच की और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उस सबसे पहले एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मुझे करनी है, वो ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये ढेर सारा प्यार देने का एक ही रास्ता है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मुझे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाके अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरे इन तीनों सोशल नेटवर्क साइट की लिंक आपके वीडियो पर चलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तो अपना प्यार, ढेर सारा प्यार और मुझे ऐसे ही देते रहिए और ढेर से ढेर सारे लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि मैच प्रीव्यू में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का फैसला करे, क्योंकि शारजा में हमने देखा, चाहे वो 1998 का मैच हो जब सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बल्ले से रनों की आंधी ला दी थी और इंडिया को पहले फाइनल में पहुंचाया, फिर फाइनल जिताया, और भी बहुत सी पारियां हैं शारजा में। लेकिन उन सब पारियों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि जो टीम शारजा के अंदर टॉस, शारजा में चेज़ करना आसान होता है। रात के समय हवा थोड़ी सर्द हो जाती है, बॉल में थोड़ी ग्रिप सही नहीं पड़ती और उसके कारण और खासकर बॉलरों को खासी दिक्कत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से शारजा में अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले आपको बॉलिंग करने का निर्णय लेना चाहिए, और स्मिथ ने, सैमसंग ने ऐसा ही किया, उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निश्चय किया। मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में सब कुछ पूरा सेट था दोस्तों। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से KL राहुल और मयंक अग्रवाल बहुत तगड़े फॉर्म में थे, उधर से संजू सैमसंग और स्मिथ भी बहुत शानदार फॉर्म में थे। मैच आज देखने लायक था और ऐसा बना भी दोस्तों। IPL में हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, स्पेशली T20 मैच, सभी लोग एक अच्छे स्कोर के लिए देखना चाहते हैं, तो आज वो अच्छा स्कोर था, आज वो अच्छा स्कोर बना। आज KL राहुल थोड़ा स्लो खेले, स्लो एंड स्टडी वाली नीति अपनाई, क्योंकि मयंक अग्रवाल स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपना गियर बदल लिया था, स्टार्टिंग से ही उन्होंने लंबे शॉट खेलने चालू कर दिए थे। क्योंकि पहले दो मैचेस में मयंक अग्रवाल, चाहे उन्होंने पहला मैच में 78 रन बनाया, उसके बाद सेकंड मैचेस में 26 रन, लेकिन इस मैच में जैसे कि उनकी नज़रें मैच पे बिल्कुल जम चुकी थी, इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट ही अपना चौथे गियर में किया, बहुत बखूबी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज अंत तक नॉट आउट रहेंगे, बहरहाल लेकिन मयंक अग्रवाल की जो बल्लेबाजी थी, उनकी बल्लेबाजी में क्रिकेट कॉपी बुक शॉट, एक एग्रेसिवनेस, एक समझदारी से भरा हुआ शॉट, हर एक शॉट उनका काबिल तारीफ था। और सिक्सेस तो वो ऐसे लगा रहे थे जैसे कि किसी को, मतलब किसी बच्चे के साथ वो खेल रहे हो। आज के मैच में मयंक अग्रवाल ने जितनी शानदार बल्लेबाजी की, KL राहुल ने भी उतनी सदी हुई, मैं सदी हुई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, कि सदी हुई बल्लेबाजी का मतलब कि उन्होंने एक एंड को संभाले रखा, उन्होंने आक्रामकता नहीं दिखाई, वो एग्रेसिव नहीं हुए, उन्होंने उस एंड को संभाले रखा जो बहुत ज़रूरी था। जिस एंड को संभाले रखा, मयंक को स्ट्राइक देते रहे, जिससे मयंक का मनोबल भी पड़ा, उन्हें ये लगा कि बैक में मुझे पुश करने के लिए, चाहे स्थिति अगर ख़राब होती है मेरी एग्रेसिवनेस की वजह से मेरी विकेट जाती है, संभालने के लिए KL राहुल है। उन्हें फ्री हैंड KL राहुल ने दिया, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ा और 100 किया, ब्रेव बहुत शानदार, इसके लिए बहुत काबिल तारीफ बल्लेबाजी की। KL राहुल अग्रेसिव नहीं हुए, अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, लेकिन बीच में वो स्लो हो गए। जो स्कोर 250 के आसपास नज़र आ रहा था, वो 200 से भी नीचे नज़र आने लगा जब KL राहुल आउट, उन दोनों KL राहुल और मयंक कर रहे थे, वो 13वें 14वें 15वें ओवर में वो स्लो हो गया जब मयंक आउट हुए। उसके बाद आपके मैक्सवेल आए, वो भी उस रन गति को बढ़ा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही पूरन आए दोस्तों, पूरन जैसे ही आए, उन्होंने रन गति को बिल्कुल एक्सेलरेट पर पैर रख दिया। रन उन्होंने लास्ट के ओवर में 3 सिक्सेस, उससे पहले आते ही उन्हें पहली दूसरी गेंद पर सिक्स मारा, तो चार तकरीबन
चार छक्के उन्होंने मारे और मैच का जो रनगति स्लो चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि 200 पर पहुंच पाना बड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, उसको 200 प्लस कर दिया उन्होंने। तो बहरहाल क्या कहते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब की पूरी टीम, चाहे मयंक हो, केएल राहुल हो, पूरन हो और मैक्सवेल, अच्छा खेले। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी जो इंग्लैंड के सॉरी राजस्थान रॉयल्स के जो बॉलर है, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो टॉम करन हो, चाहे उनादकट थे, इन्होंने उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं की जो करनी चाहिए थी। छोटा ग्राउंड था, आप शॉर्ट बॉल करा रहे हो, बल्लेबाज को बैकफुट पर जाके उन्हें पूरा अपना, जैसे कि राइट हैंडर आपके मयंक और केएल दोनों हैं, तो उनको आप पूरा रूम दे रहे हो कि वो बैकफुट पर जाकर शॉट को कट या पुल कर रहे हैं। उनको इतना टाइम, छोटा ग्राउंड है, पुल करने ज़्यादा इजी होता। आपने उन्हें एक आध बार भी गेंद फ्रंट फुट पे नहीं कराई, खिंची हुई गेंद नहीं कराई, यॉर्कर की कोशिश नहीं की। छोटे ग्राउंड्स में दोस्तों यॉर्कर बहुत किफ़ायती रहते हैं, यॉर्कर बेशक आपको सटीक ना पड़े, विकेट ना दिलाए, रन आए, पर यॉर्कर में सिक्सेस या फोर्स लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यॉर्कर वो हथियार है जो आप एक ओवर में 8 रन तो दे सकते हो, पर विकेट्स लेने के बहुत चांसेस होते हैं। या बाउंसर करा रहे हो तो बाउंसर, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बाउंसर चिल म्यूज़िक करती हुई जानी चाहिए, यानी बाउंसर तकरीबन यहाँ से जाके बल्लेबाज अपने आप को ड्रॉप कर दे, मतलब वो खेलने के लिए आया, लेकिन जब बॉल ऐसे बल्लेबाज अपने आप को ड्रॉप करने पर मजबूर हो जाए, तो इस तरीके की गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर जिनके पास स्पीड है उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। टॉम करन नहीं कर पाए, जयदो उनादकट नहीं कर पाए, तो कुछ जो बॉलिंग में कमियां नज़र आई जिसकी वजह से ये स्कोर बन पाया। स्पिनर भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे, स्पिनर ने भी गेंद को खींचा नहीं, चाहे आपके वो राहुल तेवतिया हैं, चाहे वो श्रेयस गोपाल है, उन्होंने वो जो एक गेंद को, स्पिनर की गेंद हमेशा लूप में होनी चाहिए, बल्लेबाज जितना हो सके आगे फ्रंट फुट पे जाए, और जब तक वो बॉलर बॉल की पिच तक पहुंचे, तो वहाँ पहुंचने के बाद उसे ऐसा महसूस हो यार मैं 4 इंच शॉर्ट रह गया, तो वहाँ से फिर वो ड्राइव नहीं कर सकता, या तो रोकने की कोशिश करेगा, वहाँ से 2 माइंड ऑफ फ्रेम में चला जाएगा कि खेलूँ या छोड़ूँ, और वहाँ बल्लेबाज गलतियाँ करता है। ये कमी आज राजस्थान रॉयल्स के बॉलरों ने की है कि उन्होंने बल्लेबाजों को 2 frame of mind जिसे कहते हैं हम, कि दिमाग दोहरी अवस्था में हो, या 2 बातें सोचे कि यार इसे मैं खेलूं या छोड़ूं, खेली या छोड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं था। बॉल इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति में करा रहे थे कि बल्लेबाज को सोचना ही नहीं पड़ रहा था, तो सिर्फ ये चाहते थे कि बॉल से बल्ला किसी तरह कनेक्ट हो जाए और वो गेंद बाहर निकल जाए, और निकल भी रही थी। तो ये था आपका किंग्स इलेवन बल्लेबाज की, किंग्स इलेवन पंजाब की बल्लेबाजी की समीक्षा और राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी का। अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी का। बटलर पहला मैच खेल रहे थे, बहुत उम्मीदें थी सबको, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए खास। शायद पहला मैच था आईपीएल के माहौल में ढलने के लिए, चाहे उस तरीके के एटमोसफेयर को समझने के लिए, बॉलर भी उनके लिए नए, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन उसके बाद स्मिथ और सैमसंग की जोड़ी पिछले 2 मैचों से बड़ा शानदार खेल रही है, और आज फिर उन दोनों ने वही कारनामा किया, और सेम गलतियां जो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने की, वही गलतियां किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाजों ने की। बॉल को शॉर्ट ऑफ लेंथ, अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कराना चाहते हो, इट्स गुड थिंग कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करना चाहते हो, लेकिन उसकी लाइन ऑफ लेंथ क्या होनी चाहिए ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ हाफ पिच पे गेंद पिच करोगे, उसके बाद बल्लेबाज पे इतना समय होता है कि आपको वो तो या तो ओवर द स्लिप खेल सकता है, या पुल या हुक, और बहुत इजीली आप गेंद में स्पीड नहीं डाल रहे, आप 130 की स्पीड से गेंद करते हो, उसे इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ कर देते हो, बल्लेबाज के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी आईपीएल में क्यों नहीं, आईपीएल या किसी भी T20 मैच में मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने जानने पहचानने वालों से कि T20 मैचेस में 200 180 प्लस स्कोर बन कैसे जाते हैं, 10 रन प्रति ओवर टीमें बना कैसे लेती हैं। बॉलर पे हमें मानता हूँ रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि वो बॉलर कुछ नहीं कर सकते। बॉलर के तरकस में अगर 4 ओवर का स्पेल है तो 24 तीर है उसके तरकस में,
दस तीर बीस तीर विफल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास पांच तीर ऐसे बचेंगे जिससे वो सामने वाली टीम को ध्वस्त कर सकता है। तो बॉलर या तो अपने तरफ से वो ये मान के बैठे कि ठीक है अगर 8 रन प्रति ओवर जाता है तो इट्स ओके, क्वाइट ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 130-140 का स्कोर है, उसे अचीव किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आती, आप बल्लेबाज कैसे आपके ऊपर ओवर द इनफील्ड, ओवर द कवर, मिड विकेट आपको खेल देता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रेशर स्मिथ के आउट होने के बाद बना। तेवतिया ने एक समय ऐसा लगा कि वो 33 यार्ड का घेरा भी पार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। उसके बाद सैमसंग आउट हो गए, रॉबिन उथप्पा और तेवतिया, लेकिन सडनली तेवतिया ने शेटन कोटरेल का ओवर चुना दोस्तों, और 4 गेंदों में 4 छक्के दोस्तों, 4 गेंद कंसेक्यूटिव 4 6, एक गेंद मिस की फिर उस पर छक्का मारा। तो ये जो उन्होंने उन्होंने ये दिखाया कि आप अगर पिच के हालात को, गेंद आने जाने की स्थिति को अगर एक बार सही तरीके से भाप लेते हो तो आपके लिए एक ओवर में 20-25 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और खैर जिस हिसाब से बॉलर गेंदबाजी करते हैं आज के समय में उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आप उन्हें ओवर पिच या फुल टॉस गेंद करा रहे हो, सिक्सेस मार रहे हो, उसके बावजूद आप वही गेंद दोबारा डाल रहे हो, कुछ नया अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे। कॉटरेल इतने विश्व स्तरीय बल्लेबाज है लेकिन वो एक डोमेस्टिक प्लेयर से एक ओवर में 4 छक्के खा रहे हैं। और उसके बाद मोहम्मद शमी ने अगला ओवर जो किया 19वां ओवर, उन्होंने भी पहली विकेट निकाल ली रॉबिन उथप्पा की, लेकिन उसके बाद से तेवतिया ने उन पर भी 2-3 छक्के मार दिए। तो जो गलतियां आप उन्हें शॉर्ट गेंद करा रहे हो, गेंद में स्पीड नहीं है, गेंद चिन म्यूजिक नहीं कर रही है, कोई बल्लेबाज लॉलीपॉप गेंद को उस प्लेट में रखी हुई खाने को जो आपने स्वयं परोस के दिया उसे क्यों नहीं खाएगा। और एक चीज़, केएल राहुल ने श्रेयस गोपाल को क्यों बचा के रखा, उन्हें जब लास्ट ओवर में 2 रन चाहिए थे, उनका एक ओवर पूरे मैच में किस वजह से सिर्फ एक ओवर में 13 रन दिए, इस वजह से या कोई और वजह थी इसके पीछे, क्योंकि बल्ले बॉलर तो आपका कोई भी नहीं चला, और स्पिनर इस समय काफ़ी इफेक्टिव होते। आपने बिश्नोई के एक ओवर एक साथ 4 ओवर मैच से पहले करा दी, जबकि स्पिनर पिछले मैच में दोनों ही स्पिनर आपके लिए बहुत अच्छे चले थे। इस मैच में जहां बड़ा स्कोर था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी चली थी, आपको अपने मेन बॉलर स्पिनरों को रोक के रखना चाहिए था। श्रेयस को आपने लास्ट ओवर दिया कि चल भाई तू कर ले, तूने एक ओवर किया है, एक ओवर और निकाल ले, क्या पता मैच में तो 2 रन चाहिए थे, पर उन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाल के दी। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैच की स्थिति कुछ और होती, तकरीबन हो सकती थी, पर आप एक अपने जो मेनली आपका बॉलर है उसे आप मौका नहीं देते। निशम खेल से बॉलिंग कराई और मैक्सवेल से बॉलिंग कराई 2-2 ओवर, और एक अच्छे, जबकि इस मैच में आपके सारे ही बॉलर 10 से 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से गेंदबाजी की है, तो आप अपने मेन बॉलर के 4 ओवर क्यों नहीं पूरे कराते, स्थिति कुछ और हो सकती थी। जो मैच आप जीत रहे थे आज आप हार गए, इससे पहले वाले मैच जिसमें मैच सुपर ओवर तक गया था उसमें भी सेम स्थिति यही थी आप लोगों की। शुरुआत किंग्स इलेवन पंजाब जीत जाती है, मैच का पहला हाफ किंग्स इलेवन पंजाब जीतती है और अपने फ्रेंचाइज ओनर को स्पेशली प्रीति जिंटा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी लाती है, लेकिन जैसे जैसे मैच एंड की तरफ आता है किंग्स इलेवन पंजाब ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लग जाती है। जो टीम शुरुआती समय में एकजुट एक टीम की तरफ दिखती है, जैसे जैसे समय अंत की तरफ आता है, मैच ख़त्म होने की तरफ आता है, किंग्स इलेवन पंजाब या तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, कुछ ऐसी समय की स्थिति बनती है कि किंग्स इलेवन पंजाब पूरी तरीके से बिखर जाती है। 200 प्लस का स्कोर उसके बावजूद आप हार जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं और आपको सोचने की ज़रूरत है। राजस्थान रॉयल्स पिछले मैच में भी संजू सैमसंग ने कुछ इसी तरह के आतिशी पारी खेल को मैच भी जिताया था और आज के मैच में भी, तो राजस्थान रॉयल्स अपने रथ पर सवार होकर बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है और इस आईपीएल में बहुत दूर तक जाने की हिम्मत रखती है, क्योंकि उनके सारे बल्लेबाज स्पेशली रॉबिन संजू सैमसंग और स्टीव स्मिथ बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 की तरफ से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है, जो टीमें इस समय जिन टीमों के स्पेशली राजस्थान और किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो 10 से 15 ओवर खेल जा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है,
ये एक चिंता का विषय बन सकता है आगे आने वाले दिनों में। जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन हो सकता है। वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि ओपनर रोहित शर्मा, शिखर धवन या विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर पाया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं कर पाया था। जब मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत हुई, जब मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करनी पड़ी, तो वो ताश के पत्तों की तरह निकल गया और 4 से 5 रन प्रति ओवर भी वो नहीं बना पाया। तो ये टीमों को सोचने की ज़रूरत है, चेंजेस करें समय के हिसाब से, हर बल्लेबाज को या बॉलर को थोड़ा समय दें, और स्पेशली अपने आप में मेन बॉलर खिलाएं तो उसे पूरा यूज़ कीजिए। पिच पर, मौसम पे किसी भी चीज़ को थोपिए मत। आप खेल रहे हैं ना कि पिच और मौसम खेल रही है, आप उसे बदल सकते हैं। ये नहीं कि ओस पड़ रही है, गेंद ग्रिप नहीं हो पाई इसलिए हम हार गए, या कोई और वजह। बेहतर दोनों टीमें बहुत शानदार खेली, और जो ज़्यादा शानदार खेली दोस्तों वो जीती। और इसी तरह मैं ढेर सारे आगे आने वाले मैचों की मैं वीडियो आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचाते रहूँगा, मैच के अच्छे और बुरे लाइनअप्स भी आपके साथ क्लियर करता रहूँगा दोस्तों। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। लाइक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अगर कोई कमेंट करना तो वो भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उस पर भी पूछ सकते हैं। मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट की लिंक्स आपके वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है दोस्तों। दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा बना रहे कि मैं और से और अच्छे वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। मेरा शुरुआती समय है, आने वाले टाइम में मैं काफ़ी अच्छे वीडियो और काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।